हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 4 में द सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज हम देखेंगे सेंटेंस में द सन राइजेज इन द ईस्ट, आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, शी वर्क्स वेरी हार्ड फॉर और सन, ही गोज टू स्कूल बाय बस। तो ये सारे सेंटेंसेस में ऑल द सेंटेंसेस आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। वी यूज दिस टेंस टू डिस्क्राइब अ हैबिचुअल एक्शन और जेंटल रूल। तो ये सेंटेंस कहना चाहता है कि हम हैबिचुअल एक्शन यानी कि हमारी जो टेव होती है, आदतें होती है, उसके लिए ये टेंस यूज़ करते हैं, या जनरल ट्रूथ या जो हमारा जो सामान्य ट्रूथ होता है, सत्य हकीकत होती है, जैसे कि सूरज का उगना है, तो ये जो हकीकत होती है उसके लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, लर्न के नीचे लिखा है वी यूज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दिस टेंस। हम हमेशा इसको ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ करते हैं। हाउएवर इफ द सब्जेक्ट इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट गोपाल द सन। तो जब हम इसे ओरिजिनल फॉर्म में यानी कि गो का यूज़ करते हैं मेन वर्ब का, लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है यानी कि ही शी इट या कोई नाम होता है जैसे कि गोपाल है, द सन है, तो जब कोई नाम होता है तो उसके भी मेन वर्ब है जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसमें एस या ई एस लगाते हैं, इज एडेड टू द वर्ब। तो वर्ब के पीछे क्या लगाते हैं, हम एस या ई एस लगाते हैं। ओके, तो ये हमें याद रखना है कि जो मेन वर्ब है उसके पीछे एस या ई एस लगाना। तो आगे हम इसमें देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स में कि नाउन के पीछे या प्रोनाउन के पीछे जो वर्ब है वो क्या आएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट एक्टिविटी में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो देखते हैं नीचे खाली जगह दी है, उसमें हमें जो ब्रैकेट में जो वर्ब दिए हैं उसमें से कौन सा फॉर्म आएगा। तो फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, आपके लिए एक फॉर्म ऑफ द वर्ब करके दिया है, जैसे कि शाइन का वर्ब है, मून है वो चमकता है बाय नाइट यानी कि रात को चमकता है, तो मून है वो थर्ड फॉर्म है, ना मैं हूँ ना आप है, मून कौन है, कोई तीसरी चीज़ है यानी कि चांद है। तो जो थर्ड फॉर्म होता है तो हमेशा उसके वर्ब में यानी कि जो ब्रैकेट में जो वर्ब दिया है उसमें एस या ई एस लग रही है, ई तो ऑलरेडी है तो हमें एस ही लगाना है यहाँ पे। ओके, तो शाइन में आएगा एस, तो शाइन्स क्या आएगा ब्लैंक्स में, शाइन्स, द मून शाइन्स बाय नाइट। ओके, तो बाकी खाली जगह में भी आपको ऐसे फिलअप करनी है। तो देखते हैं कैसे आती है। तो सेकंड है आई, खाली गया दिस टेम्पल वेरी एवरी डे, तो क्या आएगा उसमें, विजिट है तो आई के साथ मेन वर्ब भी आएगा क्योंकि वो थर्ड पर्सन नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो विजिट, तो उसमें ऐसे आई एस नहीं लगेगा। थर्ड है द डॉग, तो थर्ड द डॉग कौन है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए मेन वर्ब के पीछे क्या आएगा, एस आएगा, तो गार्ड्स के पीछे गार्ड्स, गार्ड के पीछे एस लगेगा, गार्ड्स और हाउस, तो डॉग है वो क्या करता है, हमारे घर की रखवाली करता है। तो ये क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है और जो वर्ब है उसमें एस लगता है। माय फादर, तो वो भी थर्ड पर्सन हुआ, ना मैं ना आप, मेरे पापा की बात हो रही है तो थर्ड पर्सन है, तो वर्ब में क्या लगेगा, एस लगेगा, वर्क्स इन अ पैग। द कॉबलर मैंस, तो कॉबलर क्या है, मोची, थर्ड पर्सन है, तो ब्रैकेट में जो वर्ब दिया है उसमें एस लगेगा। सिक्स, शी खाली गया टू लर्न फ्रेंच, वॉन्ट है तो वॉन्ट, शी थर्ड पर्सन है तो क्या आएगा, वॉन्ट में एस आएगा। शी खाली गया ब्यूटीफुल इन दिस क्लोथ, तो वो क्या लग रही है, लगती है, तो शी थर्ड पर्सन है तो एस लगेगा लुक में, लुक्स। एट नंबर, योर सिस्टर, वो भी थर्ड पर्सन हुई, सिस्टर एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, तो क्या आएगा, राइट में एस लगेगा। तो यहाँ समझ सकते हैं आप कि जो थर्ड पर्सन सेकंड सेंटेंस के अलावा सारे के सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सारे के सारे ब्रैकेट वाले जो वर्ब है उसमें क्या लगेगा, एस वाला और वर्ब फॉर्म्स आएगा, यानी गार्ड्स, वर्क्स, मैंस, वॉन्ट्स, लुक्स और राइट्स, तो सारे में सारे वर्ब्स एस वाले ही आएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, इसके बाद है लर्न वाली एक्टिविटी में, इफ द वर्ब एंड्स इन वाई, तो एस या ई एस कैसे लगते हैं, जो अगर वर्ब के पीछे वाई लगा है और उसके आगे मतलब हैज़ उसको वोवेल बिफोर इट, उसके आगे वोवेल नहीं है, और तो y का क्या हो जाएगा, i हो जाएगा और उसके पीछे es लगेगा। ओके, जैसे कि स्टडी, तो y के आगे वोवेल नहीं है, क्या है, कॉन्सोनेंट है d, तो y का i हो जाएगा और es लगेगा। मैरी,
तो वाई के पीछे, वाई के आगे क्या है, आर है, तो कॉन्सोनंट है, वोवेल नहीं है, तो मेरी का वाई का आई हो जाएगा और यस लगेगा। हरी में भी वैसा है, तो वाई के आगे अगर वोवेल्स नहीं हैं तो वाई का आई हो जाएगा और यस लगेगा। ओके, तो लास्ट में अगर वर्ब के लास्ट में वाई है और उसके आगे वोवेल नहीं है तो वाई का आई होके यस लगेगा। तो आई स्टडी बट ही स्टडीज़, ओके, तो आई स्टडी बट ही स्टडीज़, तो वाई का आई हो जाएगा और यस लगेगा। बट वर्ब्स एंडिंग इन वाई फॉलोइंग अ वोवेल एडेड एन एस, अगर लेकिन वाई है लास्ट में लेकिन उसके आगे क्या है, वोवेल्स है, तो सिर्फ एस ही लगेगा। जैसे कि ओबे, ओबे में वाई के आगे क्या है, वोवेल है, ई है, तो ओबे में सिर्फ पीछे एस लगेगा, वाई के पीछे एस, वाई का आई नहीं होगा, ओबे के पीछे सिर्फ एस लगता है। यानी कि वाई के आगे अगर वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू में से कोई एक वोवेल है, तो वाई के पीछे सिर्फ एस लगेगा, वाई का आई नहीं होगा। जैसे कि से, तो से के क्या होता है, सेज, ओके। जैसे कि प्ले, तो प्ले में क्या होता है, प्लेज। तो इफ़ द वर्ब एंड्स इन ओ एस एस एच सी एच एक्स और जेड ई एस इज एडेड टू द वर्ब, तो ये सब सारे अगर लास्ट कैरेक्टर्स है तो क्या होगा, तो इस इन सब के पीछे क्या लगेगा, ई एस लगेगा। क्या लगेगा, जैसे कि पास का पासिस, रिच का सॉरी टीच का टीचिस, गो का गोज, ओके, तो रिच का रिचिस, तो सारे अगर लास्ट कैरेक्टर में सी एच आता है, एस एच आता है, एक्स आता है, ई एस, सबके पीछे क्या लगेगा, ई एस, ओके। तो उसकी एक्टिविटी देखते हैं, एक्सरसाइज टू, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जो वर्ब दी है उसका फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, हमें सिर्फ आई ई एस या ई एस लगाने हैं। तो माई ब्रदर्स ऑलवेज, अब वाई दिया है ट्राई, और तो वाई हटा के क्या लगाना है, आई ई एस लगाना है, ओके। तो ट्राइज हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। सेकंड, द प्रीस्ट खाली गया द बॉय, तो ब्लेस डबल एस दिए है तो क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, द प्रीस्ट ब्लेसिस द बॉय। द ट्रेन खाली गया द स्टेशन ऑन टाइम, ट्रेन रीच, तो सी एच है तो उसके पीछे क्या लगेगा, ई एस, रीचिस द स्टेशन ऑन टाइम। गोपाल खाली गया वाटर ऑन हीज फ्रेंड, स्प्लैश एस एच दिया है तो उसके पीछे भी यस लगेगा, स्प्लैशिस वाटर ऑन हीज फ्रेंड। माई सिस्टर खाली गया ऑल हर बुक्स टू स्कूल एवरी डे, अब यहाँ पे कैरी दिया है, वाई के आगे कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा, वाई हटा के आई ई एस आएगा, तो कैरीज क्या आएगा, कैरीज ऑल हर बुक्स टू स्कूल एवरी डे। मिस्टर पंडित खाली गया टू ऑफिस बाय ट्रेन, गो, तो गो है तो ओ के पीछे क्या लगेगा, ई एस, गोज टू ऑफिस बाय ट्रेन। शी ऑलवेज खाली गया नीटली ड्रेस, तो डबल एस है, तो डबल एस है तो क्या आएगा, ई एस, क्या आएगा, ई एस, क्योंकि आगे वोवेल है, तो ड्रेसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको सेवन के सेवन ब्लैंक समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर लास्ट में ये सारे कैरेक्टर उसके आगे वोवेल्स है, वाई है, डबल एस है, सी एच है, एस एच है, ओके, और तो ओ है, तो आगे जो अगर वोवेल्स है तो पीछे क्या करना है, ई एस लगाना है। अगर वाई है लास्ट में और आगे वोवेल्स नहीं है तो वाई का आई करके ई एस लगाना है। आई होप कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, एक्सरसाइज समझ में आ गई है। तो ये एक्सरसाइज वन और टू आप नोटबुक में लिखेंगे, ओके, थैंक यू।